अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको कोई भी चीज़ नहीं बना के दिखाने वाला, बल्कि आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो गाइस, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दो, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की वीडियोज़ हमेशा आप तक पहुँच रहें। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये आपने शायद कभी देखा हो या ना देखा हो, इसे कहते हैं मोटर माउंट, और मोटर ब्रैकेट भी आप इसे जो है कह सकते हैं। ये यहाँ पे हमारी 775 DC मोटर जो होती है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये मैंने खुद ने बनाया है गाइस। अगर हम ऑनलाइन की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा जो है महंगी हमें मिलती है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कितनी महंगी है। तो मैंने ऑनलाइन नहीं परचेज़ किया, मैंने सोचा क्यों ना इसे घर पे खुद ही बना लिया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको इसका साइज़ जो है वो आपको बता देता हूँ, आप आसानी से अपने घर में जो है इसे बना सकते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट में आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका साइज़ कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर इस तरीके से है, और इसका साइज़ यहाँ पे एक ही रहेगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसका साइज़ देख सकते हैं कुछ 5 सेंटीमीटर के करीब है, और यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन कोई 6 सेंटीमीटर के बिल्कुल करीब है, थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। तो यहाँ पर जो इसके होल इसके अंदर जो दिए गए हैं, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं मोटर के हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट होने वाला है, और यहाँ पे 2 स्क्रू दिए गए हैं, इसके अंदर आप स्क्रू वगैरह लगा के इसको टाइट करके किसी भी प्रोजेक्ट में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्क्रू भी टाइट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने यहाँ पर स्क्रू लगाने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने किस तरीके से ये बनाना है, और इसकी थिकनेस की बात की जाए तो तकरीबन ये 3 mm मोटी है, और इसकी लंबाई मैंने आपको पहले ही बता दी है कि किस तरीके से आपने यहाँ पे मोड़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डिंग मैंने यहाँ पे करवा ली है इसको अच्छे से यहाँ पर, और ये बिल्कुल भी सीधी है, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर चेक करा दे रहा हूँ। देखिए गाइस, ये बिल्कुल अच्छी तरह यहाँ पे इसके ऊपर जो है फिक्स है। यहाँ पे आपने बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो मोटर माउंट जो बनाना है उसे आपने इस तरीके से जो है फिक्स करना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से है। आप यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हैं इक्वल साइज़ है यहाँ पर, और गाइस यहाँ पर मैं आपको मोटर के अंदर लगा के चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से इसके अंदर जो है ब्रैकेट बिल्कुल भी अच्छे से फिट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है लगने वाला है। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में जो है आप यूज़ कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ड्रिल मशीन भी इसे बना सकते हैं, मिनी ड्रिल मशीन जिसे कहते हैं, यहाँ पे आगे इसके ऊपर आगे चक लगा के इस तरीके से स्टैंड बना के आप ड्रिल मशीन भी बना सकते हैं, इस तरीके से ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप टेबल सॉ भी बना सकते हैं, यहाँ पर आगे जो है ब्लेड लगा के आप इसके ऊपर लकड़ी वगैरह भी काट सकते हैं। यहाँ पर नीचे स्क्रू के लिए यहाँ पर मैंने होल कर दिए ऑलरेडी, यहाँ पर आप इनके नीचे इस तरीके से स्क्रू लगा के इन्हें टाइट करके आप अपने मोटर को किसी भी तरीके से आप जो है इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइस, अब इस वीडियो के बाद मैं एक अच्छी वीडियो लेके आऊँगा आप दोस्तों के लिए, यहाँ पे मैं आपको एक टेबल सॉ बना के दिखाऊँगा इसी मोटर के साथ और इसी मोटर माउंट के साथ, यहाँ पे इसे मोटर माउंट भी कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, आज की वीडियो जो है इस पर थी, तो मैंने सोचा एक शॉर्ट सी वीडियो बना के आप दोस्तों के लिए शेयर कर दूँ, ताकि आपके किसी भी काम ये आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग का मैंने खास ख्याल रखा है, और यहाँ पे इसके ऊपर मैंने सिल्वर पेंट कर दिया, ठीक है, ये आप ना समझिए कि ये मेटल का है, यहाँ पे जो है मैंने सिल्वर पेंट किया है इसके ऊपर। और यहाँ पे आप अगर खुद बना सकते हैं तो ठीक है, वरना आप किसी हार्डवेयर शॉप से जाके यहाँ पर इस तरीके की आप पत्ती ले कर वेल्डिंग के पास वेल्डिंग वाले के पास जाके आप आसानी से जो है इसे यहाँ पर इस तरीके से मोड़ के आप अपने जो है काम में इसे यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी अच्छे से इक्वल साइज है, यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हैं।
और गाइस इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनके किसी काम ये आ सके। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।